हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप अपनी वेबसाइट को बिंग वेबमास्टर पे सबमिट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सर्च कंसोल, जो कि इजी स्टेप्स में हो जाएगा। आपको पता ही होगा एसईओ में हमें कई स्टेप्स को लेना पड़ता है, जो कि हमारा एक जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स में आता है कि अपनी वेबसाइट को मेजर सर्च इंजन पर वेरीफाई करवाना। तो मेजर सर्च इंजन जैसे गूगल के लिए गूगल सर्च कंसोल या गूगल वेबमास्टर होता ही है, वो तो सभी लोग कर देते हैं, लेकिन कई ऐसे सर्च इंजन होते हैं जो कि मतलब लोग उसे वेरीफाई नहीं करते। तो हम उसी में से एक है बिंग। बिंग बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट का है, माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउजर है, तो उस पर भी बहुत अच्छा ट्रैफिक आता है, लेकिन बिंग का सर्च इंजन उतना एडवांस नहीं है जितना गूगल का एडवांस है। तो इसलिए हम लोग फोकस करेंगे गूगल के लिए, अपनी वेबसाइट को गूगल के अकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन साथ ही साथ अगर गूगल पे कोई वेबसाइट रैंक हो रही है तो इसका मतलब है बिंग पर भी वो रैंक कर ही रही होगी, क्योंकि बिंग का सर्च इंजन एडवांस नहीं है, बट फिर भी हम बिंग पर सबमिट करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम बिंग को बिंग वेबमास्टर से अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सर्च कंसोल, जो जिसमें कि हमें कोई भी कोड लगाने की जरूरत हमारी वेबसाइट पर नहीं है। अगर किसी को डाउट होगा कि अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल या गूगल वेबमास्टर पर सबमिट कैसे करें, पर वेरीफाई कैसे करें, तो वो हमारी पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। मैं इसमें आई बटन में लिंक भी दे दूंगा, वो उन वीडियोस को प्रेफर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पर लिख लेना है बिंग वेबमास्टर। सिंपल स्टेप में बिंग वेबमास्टर लिख लेना, उन्हें बिंग वेबमास्टर की ये एक गाइड आ जाएगी, ठीक है। टूल्स पे जाके या बिंग वेबमास्टर लॉगिन लिख लेना आपको। ये देखिए बिंग वेबमास्टर लॉगिन लिखते ही मेरे सामने साइन इन का ऑप्शन आ जाएगा। मुझे यहाँ पे क्या करना है, साइन इन विद गूगल अकाउंट, ठीक है। साइन इन विद गूगल अकाउंट करने के बाद मैं अपने गूगल अकाउंट से साइन इन कर लूंगा, जो कि मेरा ये रहा। जैसे ही मैं गूगल अकाउंट से साइन इन कर लूंगा, इसके बाद मुझे कुछ परमिशंस बिंग को देनी होगी, जो कि मैं आगे करने जा रहा हूँ। इसके बाद अब मेरे से ये पूछ रहे हैं मेरा ये साइन इन हो चुका है। अब मेरे पास है दो ऑप्शंस। पहला है एड योर साइट मैनुअली, मतलब कि यहाँ पे अपनी साइट को सबमिट करो और फिर जो कोड मिलेगा बिंग का उसे अपनी वेबसाइट के हेड सेक्शन में लगाओ, जो कि हमने सर्च कंसोल वाली वीडियो में देखा है। सेम उसी स्टेप्स को फॉलो करना, मतलब कि एक और कोड आपकी वेबसाइट पर लगेगा। लेकिन ये एक और फैसिलिटी देता है कि अगर आपने अपनी वेबसाइट बिंग गूगल वेबमास्टर पर सबमिट कर रखी है या गूगल सर्च कंसोल पे वेरीफाई करवा रखी है, तो आप उसके डेटा को इंपोर्ट कर सकते हो। मतलब कि हमें कोई कोड लगाने की जरूरत ही नहीं है, सारा का सारा गूगल सर्च कंसोल से अपने आप वेरीफाई हो जाएगा। तो चलिए हम इसी स्टेप्स को करेंगे, इंपोर्ट पर क्लिक करते हैं। इंपोर्ट पर क्लिक करने के बाद हमें कंटिन्यू करना है। अगर हमारे गूगल सर्च कंसोल में बहुत सारी प्रॉपर्टीज होगी, बहुत सारी वेरीफाई होगी साइट्स, तो हमें उसमें से सेलेक्ट करना होगा हमें किस साइट को बिंग पर लिस्ट करना है। जैसे कि अभी मैंने परमिशंस को अलाउ किया बिंग के लिए। जैसे मैं परमिशन से अलाउ करता हूँ, मेरे सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी, जो कि आप देख सकते हो। थोड़ा लोड हो रहा है तो मैं एक बार इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद मेरे सामने बिंग का पैनल आ जाएगा, ये देखिए। अब मेरे पास आगे इंपोर्ट साइट, मेरे पास इस गूगल सर्च कंसोल अकाउंट में एक ही प्रॉपर्टी है, एक ही वेबसाइट है, तो वो यही दिखा रहा है कि आप इस वेबसाइट को इंपोर्ट करो। अगर मेरे पास यहाँ 10 वेबसाइट होती तो मैं एक वेबसाइट को यहाँ से टिक करता और इंपोर्ट करता। इंपोर्ट पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, मेरी वेबसाइट बिंग पर भी लिस्ट हो चुकी है, बिंग पर भी सबमिट हो चुकी है। सिंपल स्टेप, ज्यादा हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जिसको अब तक नहीं पता कि गूगल सर्च कंसोल पे या बिंग वेबमास्टर पे कैसे गूगल सर्च कंसोल पे अपनी वेबसाइट को सबमिट कैसे करना है, वो हमारे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। मैं उस वीडियो का बटन आई बटन दे दूंगा, यहाँ मैं डन करूंगा और ये मेरे सामने बिंग का पैनल खुल चुका है। जिस तरह से सर्च कंसोल होता है उसी तरह से बिंग होता है। बिंग का भी डिटेल ट्यूटोरियल हमारे चैनल पर आ जाएगा, तो आप चैनल के साथ बने रह सकते हो कि बिंग पर हम साइट में सबमिट कैसे करते हैं, इंडेक्सिंग की रिक्वेस्ट कैसे करते हैं, मतलब बिंग का भी डिटेल ट्यूटोरियल प्लस गूगल सर्च कंसोल का भी डिटेल ट्यूटोरियल चैनल पर मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं और कोई नए टॉपिक के साथ। तो इस वीडियो में मैं फिर से समराइज कर देता हूँ। इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे आप अपनी वेबसाइट को बिंग वेबमास्टर पर सबमिट कर सकते हो।